रिकवरी को बढ़ाया जाए। बल्दिया उज़्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर लईक अहमद का कहना है कि हमारी पहली तरजीह मुलाजमीन को तनख्वाह दिलाना है जो शहरियों को बुनियादी सहूलियात पहुँचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे फाइनेंस, महकमा CRC समेत दीगर महकमों के आला अफसरान के इजलास के बाद मेट्रो वन न्यूज से बातचीत करते हुए इनका कहना था कि मैंने इनको डायरेक्शन ये दी है कि सैलरी की मद के अंदर जितने भी सैलरीज हैं, जितनी आउटस्टैंडिंग है, वो फौरी तौर पे उनको वापस मतलब दी जाए, डिसबर्समेंट दी जाए। और सेकेंडली जो है, अगर कोई शॉर्टफॉल फंड्स का आ रहा है तो अपने रिसोर्स साइट को जो है मोबिलाइज करें। वार्निंग भी दी है कि 10 रोज के अंदर अंदर जो है, जो डिपार्टमेंट रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर बहुत पीछे हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, वरना फिर रीशफलिंग, यानी जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा उन मदों के ऊपर। और रिकवरीज को हम इंश्योर कर रहे हैं जो हमारे आउटस्टैंडिंग है मुख्तलिफ मदों में, फीस वगैरह ये सारी चीज़ें। जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे उस वक्त तक सैलरीज वगैरह सारी चीज़ें जो है कैटर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें उन सैलरीड पर्सन का कोई कसूर नहीं है जो अपनी सर्विसेज दे रहा है लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल रही है। इसी तरह से पेंशन के इशूज़ हैं, पेंशन के एक तवील लाइबिलिटी, एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी हमारे ऊपर जो है जनरेट हुई हुई है, जिसको फेस्ड मैनर के अंदर जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है लिक्विडेट करें। बल्दिया उज़्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर लईक अहमद ने सरकारी अस्पतालों में अद्वियात और दीगर सहूलियात पहुँचाने के हवाले से बताया, इस वक्त जो हमारे अंडर में हॉस्पिटल चल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के मैनेजमेंट से लेकर, मैनेजमेंट इशूज़ से लेकर, और जो उनकी लॉजिस्टिक्स हैं उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। प्रायोरिटाइज़ हम कर रहे हैं। मैंने इनको कहा है, सीनियर डायरेक्टर को, कि मुझे एक वर्किंग प्लान बनाकर दें, कॉस्ट एनालिसिस दें और तमाम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस दें कि आपको कितने मेडिसिन की ज़रूरत है अगले 6 महीने के लिए, और OT चलाने के लिए कितने जो है गैजेट्स की ज़रूरत है, या जो भी हमारे लेबॉर्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हो चुके हैं उनकी रिपेयरिंग के अंदर कितना पैसा चाहिए। वो सूरत हाल एक मरतबा मेरे सामने आ जाती है तो मुझे उम्मीद है कि हम आगे टेकअप करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, और हमारे मिनिस्टर की सपोर्ट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है शामिल है। वो भी मसले हल करने के ऊपर लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें, जो लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, उसको दुरुस्त किया जा सके और लोगों के लिए एक रिलीफ का पहल। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर लईक अहमद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह समेत रिकवरी को बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। कैमरामैन तौसीफ अलीम के हमराह नदीम सिद्दीकी, मेट्रो वन न्यूज़।